की बात है जन जन की, किससे कुछ सफलताओं के कहानियां, कुछ अनसुने नायकों की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपने मन की बात करते हैं तो वो तमाम ऐसे लोगों की बात जरूर करते हैं जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक योगदान दे रहे हैं, समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बन रहे हैं। आज के अपने इस कार्यक्रम में हम ऐसे अनेक नायकों के बारे में बात करेंगे जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपने मन की बात कार्यक्रम में किया। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि इस त्योहारी सीजन हम ऐसे उत्पादों को खरीदें जिसमें देश के युवाओं का टैलेंट हो, देश के कारीगरों के पसीने की महक हो। और आप देख सकते हैं हम यहाँ ब्लाइंड रिलीफ दिवाली मेले में मौजूद हैं और यहाँ पर इतने सारे उत्पाद लगे हैं और इन सारे उत्पादों की खासियत ये है कि ये हमारे देश के लोकल कारीगरों द्वारा बनाए गए हैं और किसी भी तरह से किसी बड़े ब्रांड से कम नहीं नज़र आते, बल्कि कई बड़े ब्रांड से ज्यादा खूबसूरत और प्यारे नजर आते हैं। आप देख सकते हैं तरह तरह के ये उत्पाद और इन उत्पादों में है हमारे देश के युवा टैलेंट की महक। और हमारे साथ इस समय मौजूद है हरप्रीत जी जो कि नोएडा से आए हैं। और मैम, आप ये बताइए कि कब से आप ये काम कर रही हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश के युवाओं से अपील की है, लोगों से अपील की है कि त्योहारी सीजन वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और लोकल को एक ग्लोबल ब्रांड तक बनाने में मदद करें, तो कैसा रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है? अच्छा रिस्पांस है। मैं ये 30 साल से कर रही हूँ और पॉटर्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, उनको ट्रेन करके कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन दे के हम अदली क्रिएशंस में यही काम करते हैं कि हम लोकल कारीगरों को बढ़ावा दें। तो हम मिट्टी के पॉट्स बनाते, टेराकोटा पॉट्स जो मोस्टली एनिमल शेप हैं। दो रीज़न थे, एक तो पॉटर्स को बढ़ावा मिलेगा, दूसरा नेचर की तरफ लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। जब वो चिड़िया का या मेंढक का पॉट लेके जाते हैं तो उनको एम्पथी होती है उन चीज़ों के साथ, बच्चों को एम्पथी होती है, रिस्पांस अच्छा आता है। ब्लाइंड स्कूल के मेले में हमेशा अच्छा रिस्पांस मिला है और कारीगरों को सपोर्ट मिलती है। पहले हम देखते थे कि लोग कोई भी सामान खरीदने के लिए ब्रांड देखते थे कि भाई इस बड़े ब्रांड का है, लेकिन आज सोच बदल रही है। आज लोग लोकल अपना रहे हैं और उसे गर्व से कहते हैं कि भाई ये हमने खरीदा है, ये तो हम वोकल फॉर लोकल हैं। तो ये जो मानसिकता परिवर्तन है उसे कैसे देखते हैं? टाइम लगा इस मानसिकता की, पर गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत मिली है इस मानसिकता को चेंज करने के लिए। जितनी गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती जाएगी उतना ये चेंज होता जाएगा, क्योंकि अब हमारे ही देश में इतनी फिनिश प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया है कि वो ऑटोमेटिकली खुद ही एक ब्रांड बनता जा रहा है। सो दैट इज़ द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ दिस, यू नो, क्योंकि हमें भी फील होने लग पड़ा है कि हमें क्वालिटी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, सो अब हमारी ये बर्ड का पॉट है, यू नो, सो बर्ड्स आर इटसेल्फ, हम एक तरह से कहेंगे कि दे आर मोर पॉजिटिव थिंग्स ना, दे फ्लाई, दे गिव यू लाइफ। सो हम इसी तरह हर एनिमल के कनेक्ट करते हैं एक इमोशन के साथ। फ्रॉग इज फॉर प्रॉस्पेरिटी, सो हम वही एनिमल्स बनाते हैं जो फेंगशुई फ्रेंडली होते हैं, सो दैट हेल्प्स। और मिट्टी का पॉट क्या होता है, इट इज़ अ ब्रीदिंग पॉट, वो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो प्लांट्स को सपोर्ट करता है। तो हम जब ये एनिमल प्लस प्लांट दोनों चीज़ कर लेते हैं तो हम नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं, रादर देन आप प्लास्टिक के पॉट में गमले लगाओ, फिर वो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, वो सॉइल डैमेज करेगा। ये डिकम्पोज होता है, ये ग्रीन है, ब्रीदिंग पॉट है, बायोडिग्रेडेबल है, अर्थ को सपोर्ट करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है, कितनी सारी। और फिर आप नेचर के साथ जुड़ते हैं कि ओ आई हैव चिल्ड्रन हु कम, ये मेरा वाला बर्ड है, ये मेरा वाला फ्रॉग है, मुझे ये चाहिए। सो दे फील कनेक्टेड, यू नो, बहुत फ़र्क पड़ जाता है इससे। वोकल फॉर लोकल ऐसे ही एक नारा नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण के साथ जुड़ने का, आपका पर्यावरण के साथ संबंध बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण मौका भी है। और कहीं ना कहीं वोकल फॉर लोकल के जरिए हम अपने कारीगरों को तो बढ़ावा दे ही दे रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं।
वोकल फॉर लोकल का फायदा यही है जिससे हमारे बुनकरों, हमारे हस्तशिल्प कारीगरों को सीधे तौर पर फायदा हो रहा है। पिछले साल से काफी बढ़िया रहे और सामान काफी बिक रहे, लोग खरीद रहे हैं और बंधनवार, दिए, तोरण, इन सब में काफी लोगों की दिलचस्पी आ चुकी है। मॉम के संग रह के एक एक चीज़ तैयार करना काफ़ी जर्नी में एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहता है और चीज़ें लाना, फिर उन्हें बनाना, फिर बेचना, इन सब में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है रिलेटेड में। मैम क्या लेने आई हैं और क्या खरीदा? मैं लेने तो विद इंटेंशन ऑफ कोर्स आई न्यू दैट आई वुड बाय, लेकिन खरीद लिया तो जो पसंद आया वो खरीद लिया। और कितनी खूबसूरत यू नो चीज़ें हैं कि इट्स लाइक ओके आई वुड बाय एवरीथिंग हियर, इट्स सो ब्यूटीफुल, इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आर जस्ट स्टेलर। और आपने क्या कुछ खरीदा? मैंने यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी हैं और मैंने यहाँ देखा कि लोगों ने अपने हाथों से बहुत अच्छी कारीगरी की है, बहुत अच्छा उन्होंने अपना ये हुनर दिखाया है, बहुत अच्छा सामान उन्होंने बनाया। तो मैं ये खरीदा है, लैंटर्न्स, दिए खरीदे हैं बिकॉज ब्लाइंड स्कूल आएंगे तो दिए तो खरीदना ज़रूरी है ही बिकॉज दे आर ऑल मेड बाय द ब्लाइंड चिल्ड्रन देमसेल्व्स। एंड तोरण खरीदे हैं, बंधनवार खरीदे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, दिस इज़ अ ट्रेडिशन विद अस, वी कम हियर एवरी ईयर, एब्सोल्युटली वोकल फॉर लोकल। देखिए शहद खाना किसे पसंद नहीं है, हर कोई शहद ज़रूर खाना चाहता है, लेकिन अगर शहद आपको ओरिजिनल मिल रहा है तो फिर क्या कहने। आज हम ऐसी एक शॉप पर मौजूद हैं जहां पर आप ये तरह तरह के शहद देख रहे हैं और इन शहद की खासियत ये है कि ये अपने बाग में उगाए गए फलों से बनाए गए हैं। वी कम्प्लीटली यूज आर ओन बीज एंड बी कीपिंग एक्टिविटीज, और हमारे खुद के बाग में होता है और उसी को हम डायरेक्टली बेचते हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कि आम व्यक्ति द्वारा जो बनाया गया हनी है उसे अब लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और जो बड़े ब्रांड्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है आम कारीगरों द्वारा बनाया गया हनी? एकदम सही जी, बिकॉज आज इंडिया भी काफ़ी एडवांस हो गई है, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई है, सबको पता है, दे आर मोर अवेयर, तो सबको पता है जो चीज़ें नेचुरली बन रही है उसकी खूबी ज़्यादा है। बड़ी कंपनी सारी कहती हैं अच्छा काम कर रही है लेकिन उनका सब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होता है, हमारा सब हैंडमेड है, तो मशीन पे रिलाय करना कम और हैंड पे ज़्यादा शोज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। भाई खूबसूरत दिखना कौन नहीं चाहता है, और इस खूबसूरत दिखने की चाह में ना जाने कितना पैसा लोग बर्बाद कर देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, अपने चेहरे पे लगाते हैं और कई बार रोते भी हैं कि भाई हमने इतना पैसा बर्बाद कर दिया, चेहरे को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन वही काम अगर आप घर में मलाई उतार के चेहरे पर लगा लेते हैं ज़्यादा ग्लो पा जाते हैं, या फिर आयुर्वेद से बनाए गए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो उसका ज़्यादा फायदा होता है। अब बहुत सारे लोग आगे आए हैं जो पुराने नुस्खे जानते हैं, वो घर पर तैयार सामग्री से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाकर सामने ला रहे हैं जो उन बड़े ब्रांड से कहीं ज़्यादा सस्ते हैं और कहीं ज़्यादा फायदेमंद। ये मेरी और मेरे मदर ने, हमने ये ब्रांड शुरू किया था 8 ईयर्स पहले, तो हमारा विजन यही है कि नेचुरल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स सबको पहुँचाया जाए। एक हमारा जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो हमारी कुमकुमादी रेंज है, तो वी हैव अ कुमकुमादी ऑयल है एंड कुमकुमादी क्रीम है, ये गोट मिल्क, केसर और सेसमे की बनी होती है, तो ये स्किन ग्लो एंड ब्राइटनिंग के लिए बहुत काम आता है। उसके अलावा हमारे क्ले बेस्ड कुछ पैक्स है, स्क्रब्स है यहाँ पे, तो आप इनका टेक्सचर भी देखेंगे बहुत अच्छा, पूरा हमारा टेक्सचर इनका आता है। फिर हमारे पास गुलाब जल है, हमारे पास केसर का वाटर है, टी ट्री वाटर है, देन हमारे पास ये सारे हैंडमेड सोप्स है, इसमें आप देखेंगे सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए, हमने ओट्स यूज़ किया है, किसी में लूफा यूज़ किया है, चारकोल बेस्ड है, ओट्स लगे हुए हैं। हाँ जी, इसके अंदर इसे पीस के भी डाला गया है, पूरा अंदर इसमें ओटमील का एक्सट्रैक्ट भी डाला है एंड ओट्स स्क्रबिंग के लिए भी डाले हैं। ओट्स के साथ हमारा बनाना ओट्स भी है जो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एक और हमारा प्रोडक्ट जो बहुत अच्छा हमारा चलता है, हमारा प्योर एलोवेरा जेल है। जनरली मार्केट में जो एलोवेराज मिलते हैं उसमें कलर और फ्रेग्रेंस मिलाया जाता है, ये सारे प्योर एलोवेरा है, नो कलर एडेड, नो फ्रेग्रेंस एडेड। जो हमारा वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव है उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिला है, हम MSME के भी यूनिट हैं, हमें गवर्नमेंट से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है मार्केटिंग इनिशिएटिव्स का, एंड इन जनरल ही इंडिया में भी लोगों को अब नेचुरल प्रोडक्ट्स का बेनिफिट समझ आ रहा है, तो पीपल आर यूजिंग आर प्रोडक्ट्स, उनको अच्छा लग रहा है एंड
होपफुली हम बहुत जल्द ग्लोबल भी जाएंगे सो दैट वी कैन टेक इंडिया टू द वर्ल्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू दीदी से बात करने के लिए. ये लेदर का खूबसूरत सा बैग हैंग करने में बड़ा प्यारा लगेगा, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये वीगन लेदर है, इसमें किसी जानवर की जान नहीं गई है. हमारे साथ रिनी मौजूद हैं. रिनी, आपके इन बैग्स की खासियत क्या है और ये किस तरह से बनाए हैं आप? Yes, so these are all hand embroidered vegan leather bags. We get our leather custom made just for embroidery purpose. Like the life of our leather is minimum 4 to 5 years. And generally you find this work on apparels, fabrics, but we've done it on vegan leather. So that's what makes it unique. All the bags are hand embroidered, handcrafted, done by local artisans, local karigars. So we totally believe that we should promote this kind of artisanal work, and that's what every piece of my, like every bag reflects that kind of work. So it's all we are in for vocal for local. Response तो बहुत बढ़िया रहा है, अच्छी क्लाइंटे आई है और बहुत अच्छा हिसाब रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी देशवासियों से कोई अपील करते हैं तो देशवासी भी उसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं और उस अपील को पूरा करने के लिए उसे एक आंदोलन में परिवर्तित कर देते हैं. और आपने देखा कि इस त्योहारी सीजन किस तरह से लोग वोकल फॉर लोकल को अपना रहे हैं और लोकल को ग्लोबल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं. ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को भी जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का. जल्द हाजिर होंगे. आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का. अधूरी लगती है दिवाली खुशियों के बिना, तोहफों के बिना, मगर अब ऐसा नहीं है. कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है. सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट होगी और उधर मदद की मुद्रा से किसी ने नए कारोबार का श्री गणेश कर लिया. हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश. पिछले कुछ वर्षों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस, तो कोई लोन का उपहार पाके. तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे. हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार. आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली. गोल्डी मसाले जहां भी जाए रिश्ते बनाए. हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन. भरोसा इंडिया. मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड. गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212. किताबों की दुनिया भी बड़ी ही निराली है. कहते हैं कि हर उलझन की सुलझन है किताबों की दुनिया. किताबों में सिर्फ ज्ञान ही नहीं होता है, बल्कि एक ऐसी रोशनी होती है जो जहां पर भी पड़ जाए थोड़ा सा अंधेरा तो ज़रूर कम करती है. और ऐसी ही दो प्रेरक शख्सियतों का जिक्र किया इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में. उन्होंने कन्याकुमारी के रहने वाले थिरु ए. पेरुमल जी का जिक्र किया, जो कि पिछले 40 सालों से स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. हम सब जानते हैं कि कहानियाँ हम सब के जीवन का अटूट हिस्सा रही हैं. हम सब कहानियाँ सुन सुनकर बड़े हुए हैं और इसी स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं थिरु ए. पेरुमल जी. वो तमिलनाडु के अलग अलग स्थानों पर यात्राएँ करते हैं और वहाँ से फोक आर्ट फॉर्म्स को खोज कर उसे अपनी किताब का हिस्सा बनाते हैं. और ऐसी ही एक दूसरी शख्सियत हैं शिव शंकरी जी, जो कि साहित्य के जरिए देश को एक धागे में पिरोने के लिए प्रयास कर रही हैं. तो कैसे प्रयास हैं इन शख्सियतों के और कैसी हैं उनकी ये किताबें, आइए देखते हैं. मिलिए कन्याकुमारी के रहने वाले थिरु ए. के. पेरुमल जी से, जिन्होंने तमिलनाडु के स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन को संरक्षित करने का सराहनीय प्रयास किया है. वो अपने इस मिशन में पिछले 40 सालों से जुटे हुए हैं.
इसके लिए वो तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में यात्रा करते हैं और फोक आर्ट फॉर्म्स को खोजकर उसे अपनी किताब का हिस्सा बनाते हैं। ये उनका जज्बा ही है कि थिरु ए के पेरुमल जी ने अब तक ऐसी करीब 100 किताबें लिख डाली हैं। I started collect the information about leather puppet in Tamil. It is called Tholvavaikoothu. इसके अलावा पेरुमल जी का एक और पैशन भी है। तमिलनाडु के टेंपल कल्चर के बारे में रिसर्च करना भी उन्हें बहुत पसंद है। उन्होंने लेदर पपेट्स पर भी काफी रिसर्च की है, जिसका लाभ वहां के स्थानीय लोक कलाकारों को हो रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में थिरु ए के पेरुमल जी के कार्यों की सराहना की है। हमारा साहित्य यानी लिटरेचर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रगाढ़ करने के सबसे बेहतरीन माध्यमों में से एक है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं तमिल की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी जी से, जिनका मकसद है साहित्य के जरिए देश को एक धागे में पिरोना या जोड़ना। When I completed 25 years as a writer in writing field, I wanted to give back something very profound in a very big way to the literature that has brought me all this recognition and respect and also to my country. शिव शंकरी जी निट इंडिया थ्रू लिटरेचर प्रोजेक्ट पर बीते 16 सालों से काम कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए उन्होंने 18 भारतीय भाषाओं में लिखे साहित्य का अनुवाद किया है। उन्होंने कई बार कन्याकुमारी से कश्मीर तक और इम्फाल से जैसलमेर तक देश भर में यात्राएं की, ताकि अलग अलग राज्यों के लेखकों और कवियों के इंटरव्यू कर सके। अपनी इन यात्राओं को उन्होंने ट्रैवल कमेंट्री के साथ पब्लिश किया है। ये तमिल और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इस प्रोजेक्ट में 4 बड़े वॉल्यूम्स हैं और हर वॉल्यूम भारत के अलग अलग हिस्से को समर्पित है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनके कार्यों को सराहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए तमिलनाडु से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारा साहित्य हमारा लिटरेचर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रगाढ़ करने के बेहतरीन माध्यमों में से एक है। और जब बात हम माध्यमों की कर रहे हैं तो चलिए बात रेडियो की भी कर लेते हैं, क्योंकि रेडियो भी संचार का एक बहुत ही सशक्त और खूबसूरत माध्यम है। लेकिन मोबाइल के इस दौर में रेडियो कहीं गुम सा हो गया है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने रेडियो का संग्रहालय बना दिया है। अपने शौक से, अपने प्रयासों से उन्होंने लगभग 1100 रेडियो का कलेक्शन किया है। आज मोबाइल के इस दौर में रेडियो कहीं गायब सा हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में गजरौला के निवासी राम सिंह बौद्ध एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने रेडियो का ही संग्रहालय बना दिया है। इनके संग्रहालय में करीब 1100 रेडियो हैं। अपनी नौकरी के साथ उन्होंने अपने शौक को पीछे नहीं छोड़ा। रेडियो और पुराने उपकरण को सहेज कर रखने के उनके शौक ने आज उन्हें मशहूर बना दिया है। ये सबसे पहले मुझे प्रेरणा मिलने का मेन कारण है 3 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम संचार माध्यम छोड़कर रेडियो से मन की बात शुरू की। तब से मुझे प्रेरणा लगी कि जब इतने बड़े प्रधानमंत्री जी हमारे टेलीविजन आदि को छोड़कर या इंटरनेट को छोड़कर रेडियो से बात कर रहे हैं, तो इसमें जो जरूर कोई बात है और इसमें कुछ ना कुछ देश का हित छिपा हुआ है। राम सिंह की माने तो उन्हें शुरू से ही पुरानी चीजों के कलेक्शन करने की आदत है। ऐसे में जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की शुरुआत की तो उन्हें हौसला मिला और उन्होंने अपने रेडियो के कलेक्शन को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। राम सिंह के पास इंग्लैंड, जर्मनी, भारत, जापान, अमेरिका तक की कंपनियों के रेडियो शामिल हैं। राम सिंह का कहना है कि विश्व के पहले रेडियो से लेकर जहाजों में चलने वाले रेडियो तक, गदर और कुली जैसी फिल्म में इस्तेमाल किए गए रेडियो तक उनके कलेक्शन का हिस्सा हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अमरोहा से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
हमने आपने सबने बचपन में रेडियो जरूर सुना होगा और उस रेडियो को सुनकर ही हम बड़े हुए हैं। और अब जब हम आकाशवाणी पर रेडियो पर मन की बात सुनते हैं तो वो यादें ताज़ा हो जाती हैं और रेडियो कितना सशक्त माध्यम है ये एक बार फिर आम जन को पता चला है। अच्छी खबरों के इस सफर को अभी जारी रखेंगे लेकिन वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। मिसेस के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले जहां भी जाए रिश्ते बनाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। स्वच्छ भारत अभियान अब अपने कई पड़ावों को पार कर चुका है। जब भी बात स्वच्छ भारत अभियान की होती है तो देश के अलग अलग कोने से अनगिनत खूबसूरत उदाहरण सामने आ जाते हैं। आज हम ऐसा ही आपको एक उदाहरण दिखाने जा रहे हैं। आपको लेकर चलेंगे असम के कामरूप जिले के अक्षर स्कूल में। अक्षर स्कूल कई मायनों में बहुत खास है, इस मायने में भी कि यहाँ फीस के बदले कचरा लिया जाता है। जी हाँ, बच्चे कचरा इकट्ठा करके लेके आते हैं और यही होती है उनकी फीस और यहाँ मिलती है उनको शिक्षा। शिक्षा ना केवल किताबी बल्कि साथ ही साथ जीवन जीने का ज्ञान भी दिया जाता है। उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाता है। जो कचरा वो लोग लेकर आते हैं उसे कैसे रिसाइकिल किया जाना है ये भी सिखाया जाता है। और उस कचरे से रिसाइकिल करके ईंटें बनाई जा रही हैं, चेन की चाबियाँ बनाई जा रही हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को कुछ साल पहले तक प्लास्टिक कचरे के पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में शायद ही कोई अंदाजा होगा। ना सिर्फ ये बच्चे बल्कि इनके परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने भी कभी प्लास्टिक कचरे के उचित निपटान की परवाह नहीं की। कई बार तो वो इसे जला देते थे या फिर यूं ही फेंक देते थे। लेकिन आज ये बच्चे ना सिर्फ प्लास्टिक कचरे के दुष्परिणामों से वाकिफ हैं बल्कि ऐसे कचरे को इकट्ठा करने और उसे रिसाइकलिंग करने में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पामोही के सुरम में दृश्यों के भीतर स्थित अक्षर स्कूल ग्रामीण वंचित बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देता है और फीस के रूप में केवल बेकार प्लास्टिक की बोतलों और पैकेटों को स्वीकार करता है। इसका उद्देश्य छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम के साथ सरकार के प्रति जिम्मेदार होकर आजीविका कमाने के लिए प्रशिक्षित करना भी है। अक्षर स्कूल प्लास्टिक कचरे को फीस के रूप में स्वीकार करता है। छात्र हर गुरुवार को स्कूल फीस के रूप में प्लास्टिक का कचरा लाते हैं। हम मुफ्त में शिक्षा देते हैं और यहाँ तक के मिड डे मील भी देते हैं। इतना ही नहीं, बच्चे इस कौशल को सीखते हुए कमाते भी हैं ताकि वो अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकें। सीखते हुए कमाई असम के इस स्कूल का आदर्श वाक्य है। ये स्कूल पिछले 7 सालों से महात्मा गांधी की नई तालीम शिक्षा दर्शन के आधार पर आगे बढ़ रहा है जो शिक्षा और कामकाज को एक साथ लेकर चलता है। अक्षर स्कूल के छात्र सिलाई, बढ़ईगिरी, बागवानी, प्रिंटिंग, अपसाइक्लिंग और प्लास्टिक उत्पादों की रिसाइक्लिंग जैसे स्किल सीखते हैं। मैं अपने घर से पानी की बोतलें, चिप्स और बिस्किट के पैकेट सहित प्लास्टिक का कचरा स्कूल ले जाता हूं। मुझे नहीं पता था कि इन प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके हम कुछ नया बना सकते हैं। स्कूल में सभी बच्चे वंचित परिवारों से हैं। इनके माता पिता बच्चों की शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते हैं लेकिन आज ये बच्चे बहुत कुछ करने का सपना रखते हैं। मेरे माता पिता काम पर जाने के लिए बहुत बूढ़े हैं इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और काम करना शुरू कर दिया था। अब मैं अंग्रेजी पढ़ सकती हूँ, गणित भी सीख सकती हूँ। हम प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करते हैं और उससे उत्पाद बनाते हैं। यहाँ बच्चे स्कूल की फीस के तौर पर प्लास्टिक के कचरे को लाते हैं। इससे उन्हें बिना आर्थिक बोझ के शिक्षा भी मिल जाती है और पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है।
स्कूल न केवल क्षेत्र को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने में सफल रहा है, बल्कि ये पमोही में स्थानीय छात्रों को उनके परिवारों पर बिना वित्तीय बोझ डाले स्कूल जाने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, कहीं कचरे से कंचन तैयार हो रहा है, स्वच्छता के जरिए समृद्धि के प्रयास हो रहे हैं और प्रयास बहुत ही सार्थक हैं, सराहनीय हैं। तो कहीं साहित्य के जरिए देश को एक सूत्र में पिरोने की बात हो रही है, प्रयास हो रहे हैं। कहीं कला और संस्कृति और विरासत को बचाने के प्रयास हो रहे हैं। अनगिनत ऐसे प्रयास हैं जिनका जिक्र किया जाना बहुत ज़रूरी है, और जब ये जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में करते हैं तो ये और भी ज़्यादा प्रेरणादायी हो जाता है, और भी लोगों का हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, और भी लोग अच्छे काम करने के लिए आगे आते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।